टाई डाई करने के लिए आपको जो सब मटेरियल्स चाहिए वो पहला एक है जो वाटर, प्लेन वाटर चाहिए हम लोगों को, जो पीने का पानी होता है वो चाहिए। दूसरा होता है हम लोगों के पास डाई कलर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये कलर जो है डाई कलर है, एक कलर अभी पानी में मिक्स हुआ है, ये पाउडर की आकार पे मिलता है, बाजार पे मिल जाएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे जो यहाँ से अभी लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि ये पानी में मिक्स हुआ है, ये रेड कलर है, इस तरह का पाउडर लेके पानी में मिक्स कर सकते हैं आप लोग। और चाहिए खाने का नमक, जो हम लोग घर में खाने में यूज करते हैं वो नमक चाहिए। ये जो कपड़ा देख रहे हैं आप, ये जैसे टाई डाई करने के लिए आप सिल्क में भी कर सकते हैं, कॉटन पे भी कर सकते हैं। ये कपड़ा एक वाइट कलर का कॉटन क्लॉथ है, तो ये इसको मलमल कहा जाता है। और ये रहा थ्रेड, जिस धागा जिससे हम लोग इसको बांधेंगे। और लास्ट में आपको और एक चीज चाहिए जो है फिक्सर, जहाँ कलर को फिक्स करने का काम आता है, तो ये फिक्सर आपको बाजार में अवेलेबल मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। टाई डाई के बहुत तरीके होते हैं बांधने की, तो हम लोग आज जो बांधेंगे उसको स्क्रैबल कहा जाता है, स्क्रैम्बल। उससे हम लोग क्या करेंगे, कपड़े को, जैसे कि ये आप कपड़ा देख रहे हैं, ये कपड़ा है यहाँ पे वाइट क्लॉथ, रुमाल की साइज में मैंने कट लिया हूँ, इसको कट के तैयार कर लिया है। तो इसको हम लोग ऐसे धीरे से एक साथ करेंगे, जैसे भी आ जाए ये एक, जैसे कि हम लोग इसको ऐसे इकट्ठा करेंगे। करने के बाद इसको थ्रेड से इसको हम लोग बांधेंगे, बहुत कस के बांधेंगे इसको, जैसे कि आपकी मर्जी, जैसे भी आप चाहो इसको ऐसे बांध सकते हो। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे कस के बांध रहे हैं, थ्रेड लेके इसको हम लोग अपने मर्जी से ऐसे बांधेंगे, इसको ऐसे कस के इसको बांधेंगे। देखिए इसको मैं आराम से इसे बांध रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इसमें जगह जगह पे कलर जा नहीं पाएगा, इसके बदौलत हम लोगों को वो जगह वाइट रह जाएगा, और बाकी जो पोर्शन है उसमें क्या होगा, कलर आ जाएगा। तो इसको पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं नाट को, जैसे कि हम लोग इसको ऐसे धागे से टाइट करके बांध लिए, और इसको नाट को लॉक करने के लिए एक भी प्रोसेस होता है, जैसे कि उंगली यहाँ पर रख के आप धीरे से इसको लाइए और ऐसे धागे को इसके अंदर डाल के कस के रखिए। बस ये हो गया आपका क्लॉथ तैयार, इसको अभी डाई करना है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग जैसे कि एक कप पानी लिए है, और एक कप पानी में एक चम्मच डाई कलर, जो पाउडर कलर मिलता है वो एक चम्मच डाई कलर एक कप पानी में डाले है। तो इसके साथ आपको जो करना है, कलर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट, जैसे खाने का सॉल्ट हाफ, हाँ इस तरह का हाफ चम्मच सॉल्ट इसमें मिला लेना है, तो कलर को पक्का करने में मदद करेगी। और आपको एक चीज करना है, यहाँ पे 2 कप वाटर रखा है, फ्रेश वाटर रखा हुआ है, इस वाटर में आपको क्या करना है, ये जो फिक्सर है, ये फिक्सर को एक ढक्कन या एक चम्मच, जैसे कि एक चम्मच हम लोग ऐसे फिक्सर को यहाँ पे डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपको क्या करेगा, कपड़े का जो कलर बनेगा उसको फिक्स करने में मदद करेंगे। तो हम लोग अभी जब करेंगे, इसमें जो एक कलर है इसको बॉयल करना है आपको, हम लोग यहाँ पे बॉयल करेंगे इस कलर को। तो इसको हम लोग बॉयल करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ये इंडक्शन में हम लोग बॉयल कर रहे हैं, आप कहीं भी बॉयल कर सकते हो, ओवन में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको बॉयल होना है, और बॉयल होने के बाद आपके पास जो ये कपड़ा है जो हम लोग धागे से बांध के तैयार किया है, इसको इस पानी में, कलर किया हुआ पानी में डालना है। जैसे कि हम लोग ये देखिए, ये हम लोग इसमें अभी डालेंगे, ये बॉयल हो गया, थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए, और इसको क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे कलर इसके अंदर आ जाए, देखिए
इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा तो ये 5 मिनट बॉयल होने से हो जाता है, ऐसा नहीं आप जितने देर तक इसमें रखोगे वो ज़्यादा डार्क होने लगेगा। तो लगभग हम लोगों का कलर आ चुका है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ से उठा के आराम से इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको क्या करना है हम लोगों को, वो जो फिक्सर वाला पानी है जिसमें हम लोग फिक्सर डाल के रखे हैं, इस पानी में इसको भिगोएंगे, यानी ये कलर फिक्स हो जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे और कुछ कलर यहाँ पे क्या होगा निकल जाएगा, जैसे कि ये निकल रहा है, जितना कलर कपड़े में लगना चाहिए वो तो लगेगा ही और बाकी जो कलर है वो यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए ये धीरे धीरे निकल रहा है और ये आपका जो कपड़े का कलर है इसको फिक्स्ड कर रहा है, फिक्सर से हम लोग इसको फिक्स्ड कर रहे हैं, तो जितना चाहिए यहाँ से निकल जाएगा, हम लोग बाकी जो रंग रहना चाहिए क्लॉथ में वो रह जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पानी में ऐसे करने से हम लोगों का निकल रहा है पानी, इसमें कलर धीरे धीरे निकल जा रहा है, वो एक्स्ट्रा कलर जो होता है ना वो निकल जाता है यहाँ पे। ये देखिए ये लगभग निकल चुका है, तो ये हम लोगों का 5 मिनट तक रखना है इसके अंदर। ये लगभग 5 मिनट हो गया है, ये क्लॉथ जो है हम लोगों का यह फिक्सर से हम लोग निकाल लें। बहुत ही आसान है ये तरीका, आप इसको आराम से कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हो। तो इसको क्या करेंगे हम थोड़ा निचोड़ लेंगे, जैसे कि ऐसे निचोड़ लेंगे जितना भी पानी है वहां से निकल जाए। ये लगभग निकल गया है, अभी इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए हाथ पे अभी कलर नहीं लग रहा है, जितना निकलना चाहिए था वो निकल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसको खोलेंगे, देखेंगे कैसा प्रिंट आ रहा है इसमें। और आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे जो है ये आसान तरीका है, आपको यहाँ पे एक नॉट डाल लेते हैं हम लोग, इसको आराम से इसे खोल लेंगे और ये धागे को धीरे धीरे हम लोग खोलते जाएंगे। तो आसान सा तरीका है, कोई भी घर में कर सकता है और ऐसे बना के आप लोग बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं और ड्रेस को बाज़ार में आराम से बेच सकते हैं। ये घर में बैठे जितने भी लोग हैं एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धागा हम लोग इसमें से अलग कर लिए हैं, धागा को निकाल लिए, अब ये क्लॉथ को हम लोग खोलेंगे तो देखेंगे इसमें प्रिंट आ चुका होगा। जैसे कि हम लोग इसको खोल रहे हैं, अब देखिए इसमें प्रिंट आ चुका है, ये जगह जगह पे वाइट कलर का प्रिंट दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये देखिए। तो इसमें क्या हुआ, ये प्रिंट बहुत ही अच्छा प्रिंट आया है, इसको धूप में सुखाना है आपको, नहीं धूप में नहीं सुखाना है आपको, सुखाना है छांव में, ठीक है, क्योंकि कलर जलने का संभावना है। तो आपको ये देखिए ये हम लोगों का बन गया, ये सूखने के बाद आपको इसको आयरन से इस्त्री करना है, करने के बाद आप देखेंगे एक सुंदर सा रुमाल आपका तैयार हो गया है। इस तरह आप किसी भी कपड़े में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं और आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का डायरेक्ट डाई करने का प्रोसेस। डाई बहुत तरह का होता है, भैट डाई होता है, जैसे कि केमिकल डाई भी होता है। तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप सारे सीखेंगे, आज हम लोग डायरेक्ट डाई कैसे किया जाता है और ये वन कलर डाई है, एक ही कलर से हम लोग किए हैं इसको, तो डबल कलर से भी हो सकता है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आता है कमेंट्स में लिखिए, मैं जितना हो सके मेरे नॉलेज में जितना है आप लोगों को मैं बताऊंगा और आप लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इस तरह का काम कर सके, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।